अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अलसीफ। मेरे एक दोस्त हैं, एक यूट्यूबर मिले हैं मुझे आज। बेसिकली वो इंडिया से हैं उनका ताल्लुक, लेकिन वो रहते दुबई में। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे आपके साथ व्लॉग बनाना है। तो मैंने उनको वेलकम किया और आज इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलके आपको अलसीफ का एरिया दिखाएंगे। और डिटेल क्या है अलसीफ की, मैं साथ साथ वो आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे हम जिस जगह जाएंगे वो उसके बारे में बताता रहूँगा, नॉलेज देता रहूँगा। और देखिएगा ज़रूर, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनको भी जाके सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक कीजिएगा। बाकी जो चीज़ें कमी बेशी रह गई है उनका ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए और दुबई में कौन कौन से पॉइंट्स आप देखना चाह रहे हैं, ताकि आगे चल के मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊँ। तो चलिए चलते हैं, अभी सफ़र करते हैं अलसीफ की तरफ का। रास्ता भी दिखाता रहूँगा आपको और जो जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला आप व्लॉग में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं अलसीफ पहुंच चुका हूं। और अलसीफ का एरिया जो है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 1.8 किलोमीटर पर मुश्तमिल एरिया है। और यहां पे मेट्रो के दो स्टेशन इससे लिंक करते हैं, एक बुरजुमान और एक अलफायदी। दोनों के बीच का जितना एरिया है वो अलसीफ का है। इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह हैं। और एक तरफ यहाँ पे पुरानी इमारतें, जिस तरह दुबई स्टार्ट हुआ था उस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जिस तरह की चीज़ें हैं, अभी नया जिस तरह दुबई बन गया है, वो चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। तो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता, पहले इस तरफ हूँ ओल्ड साइड पर, अभी लेके चलूँगा जिस तरफ न्यू साइट बन चुकी है, वो चीज़ें भी दिखाऊँगा। तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स जो है मैं आपको दिखाता रहूँगा और वीडियो में आप बताएंगे मुझे कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि इस व्लॉग में मेरे साथ एवी रॉय भी हैं और शूट करने में बहुत आसानी हो रही है। दो लोग मिल गए तो बहुत सी आसानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ अगेन एवी रॉय का, थैंक यू सो मच। चलिए आपको दिखाते हैं एरिया।
गाइस, आज हमने आप लोगों को दिखाया अलसीफ, और अलसीफ का ब्लॉग हम यहीं पे अब ख़त्म कर रहे हैं। बहुत थक चुके हैं, भूख भी बहुत लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? हम दोनों ने मिलके जो आप लोगों के लिए कोशिश की है छोटी सी, वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अच्छी लगी है या इसमें कोई कमी बेशी है। कमी बेशी तो यकीनन होंगी, वो भी आपने ज़रूर कमेंट में बतानी है। बाकी एवी रॉय बाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। और सपोर्ट हम दोनों को करनी है सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। तो अगली आवाज़ एवी रॉय बाई की। तो गाइज, मैं बस इतना बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छा लगा हसन भाई से मिलके। सो गाइज, और सबसे पहली चीज़ मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि अब मेरे साथ में कोई अच्छा पार्टनर है जिसके साथ में कि मैं आउटडोर काफ़ी अच्छे शूट्स कर सकता हूँ। तो आई होप कि आने वाले हमारे जितने भी ब्लॉग्स होंगे काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। तो गाइज, प्लीज़ विजिट ऑन माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्रदर चैनल हसन ब्लॉगर। सो गाइज, थैंक यू सो मच।